ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की एडिटिंग। तो गाइस, मैं इस बार आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप इस बैकग्राउंड में और अपने मॉडल को कैसे ऐड करोगे। तो गाइस, मैं आप सभी को सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा, तो आप एकदम बिल्कुल वीडियो को ध्यान से वॉच करना ताकि यार आप सभी को सबको समझ आ जाए। एंड गाइस, आप सभी से मैं गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गाइस मैंने आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया जिस पे गाइस मैं आप सभी को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ उस चैनल पे। तो गाइस, उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप में से कोई भी भाई इंटरेस्टेड है तो गाइस उस चैनल पे जाके आप उसको जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। एंड अगर अच्छा लगे तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी गाइस, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है क्या गाइस, आप सभी को अपने मॉडल का बैकग्राउंड रेज करना है। तो गाइस, मॉडल का बैकग्राउंड रेज करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, इसको लेकर चलेंगे हम अपने ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस आप सभी यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद गाइस आप सभी यहाँ पे रेजर को क्लिक करना है। एंड गाइस, इसकी जो हार्डनेस होगी रेजर की वो रखना आपको गाइस 95 तक कुछ, ठीक है, एंड 95 तक रख देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सेट कर देना है। जो साइज होगा रेजर का गाइस वो अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड गाइस, उसके बाद यहाँ पे हम फोटो को जूम करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ से हम गाइस फटाफट से बैकग्राउंड को रेज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। अब गाइज, आप सभी को करना है क्या गाइज, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब उसके बाद आप सभी को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को यहाँ से ले लेना अपने मॉडल को। ठीक है, तो मॉडल को हम यहाँ पे पहले जो हमें बैक साइड में रखना है पहले उस मॉडल को लेंगे। एंड गाइज, में थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड रेज करते वक्त कुछ पार्ट रह गया था, तो गाइज उसको मैं थोड़ा रेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको फटाफट से यहाँ से फटाफट से पूरा रेज कर देते हैं। ओके गाइस, सो इतना करने के बाद आप सबको फिर क्या करना है आपको गाइस, देखिए यहाँ पे अपने मॉडल को जो है कुछ इस टाइप से थोड़ा सा रोटेट इस साइड को करना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा इस साइड को रोटेट कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम इसका थोड़ा सा साइज यहाँ पे कुछ इस टाइप से बड़ा कर देंगे, क्योंकि गाइस जो हमारे शूज़ जो आ रहे हैं गाइस इसको हम नीचे से यहाँ पे इरेज भी करना है, तो हमें थोड़ा सा ऐसे रखना पड़ेगा मॉडल को। तो हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से रख देते हैं। अब गाइस आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा इरेजर टूल का यूज़ करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ओपेसिटी यहाँ पे पहले कम कर लेते हैं। एंड अभी इरेजर टूल में जाएंगे एंड इसके हार्डनेस को फुल कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे फोटो को जूम करेंगे। एंड हम गाइस यहाँ नीचे का जो एरिया है इसको हम यहाँ पे इरेज कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे रेज कर देंगे। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ पे डन करना है। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ से रेज कर लिया, आप इसको हम डन करते हैं। ओपोसिटी फुल कर लेते हैं। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ से इसको इतना कर देने के बाद अभी यहाँ पे डन नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें शेडो भी बनानी है। तो इसके लिए हम ब्लैक कलर का पीएनजी लेंगे। एंड इसको कैसे हम ऐसे फुल साइज करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ पे रेजर टूल में जाना है, फिर यहाँ पे इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, आप सबको साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, ओपेसिटी हार्डनेस कम कर देना थोड़ा। एंड उसका फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको बैक साइड में पूरे बैक साइड में जो भी है इस साइड का एरिया आपको उसमें बस ऐसे ब्लैक ब्लैक पेंट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर ऊपर एंड मतलब आराम आराम से करना है। एंड देखना है गाइस कि कहीं पर डबल टैप ना हो जाए। ठीक है, नहीं तो डबल टैप हो जाएगा तो उस जगह शैडो डार्क हो जाएगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना एंड बिल्कुल आराम से करना। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है। अब क्या करेंगे, जब मेरे टूल के ऊपर जो ऑप्शन है आपको उसको क्लिक करके एंड इसको मूव डाउन कर देना है। एंड देखिए गाइस शैडो जो हमारी बैक साइड में चली जाएगी, तो थोड़ा सा गाइस इस साइड में भी पेंट हो गया तो हमें इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे शैडो पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे रेजर टूल में चलते हैं। एंड यहाँ से साइड का जो एरिया है इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इतना कर देते हैं। अब उसके बाद आप सभी को देखिएगा गाइस यहाँ पे हमारी शैडो बन चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट करता हूँ यार, क्योंकि यार शैडो जो है मेरे को यहाँ पे कम सी लग रही है, तो डुप्लीकेट करके हम इसको मूव डाउन कर देंगे। एंड उसके बाद इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे। एंड यहाँ पे गाइस हमारी शैडो जो है तो परफेक्ट बन चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे डन कर देना है। अब गाइस आप सभी को लेना अपने यहाँ पे दूसरा मॉडल। ठीक है, सर दूसरे मॉडल को लेने के बाद गाइस सबसे कुछ स्टेप्स ऐसे यहाँ पे रखना है। ठीक है, जो सीट होगी का जैसे साइकिल की आगे की तरफ वाली उसके ऊपर रखना है। एंड इरेजर टूल में जाके आप सभी कुछ जहाँ जहाँ पे आपका मॉडल है वहाँ वहाँ पे आपको सिंपली पेंट कर देना कुछ स्टेप से। एंड अगर गाइस अगर आप भी कहीं साइकिल के ऊपर बैठ के अगर फोटो क्लिक करवा दे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यार आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बैकग्राउंड रेज वगैरह भी करना पड़ेगा आपको। तो बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से गाइस, अगर आपको हो जाए तो बाकी आप इरेज करके भी आप काम चला सकते हो अपना। तो यहाँ पे हमें गाइस थोड़ा सा ना नीचे के एरिया में इरेज करना पड़ेगा, तो हम उसको इरेज कर लेते हैं।
सो गाइस हमारा जो दूसरा मॉडल है गाइस वो भी लग चुका है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है गाइस, आप सभी को यहाँ पे डन कर देना इसको, एंड उसके बाद आप सभी को चले जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को लेना सीक्रेट का पीएनजी, एंड गाइस उसके बाद आप सभी को फिर यहाँ पे अपनी फोटो को जूम कर लेना है। फोटो को जूम करने के बाद गाइस आप सभी को अपने माउथ के पास कुछ स्टेप्स यहाँ पे इसको ऐड करना है, एंड गाइस इसको इस तरीके से ऐड करना है कि गाइस इरेज करते वक्त गाइस थोड़ा सा एरिया बाहर की तरफ रहे, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी हार्डनेस फुल सॉरी गाइस इसको थोड़ा सा हमें ना छोटा करना पड़ेगा, तो सीक्रेट काफ़ी ज़्यादा अंदर चली गई है, तो उसको हम यहाँ से रख रखते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे परफेक्ट है, अब यहाँ पे इरेजर टूल में जाएंगे, इरेजर पर लेंगे, हार्डनेस को फुल कर देंगे, एंड इसका फोटो को जूम करेंगे, एंड ऊपर ऊपर से स्टार्टिंग से इरेज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है गाइस कुछ स्टेप से। तो गाइस ये यहाँ पे इरेज हो चुका है, तो अब यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसको यहाँ पे अभी डन नहीं करना है, क्योंकि गाइस अभी हमें पे स्मोक का पीएनजी लगाना है, तो गाइस यहाँ से हम स्मोक का पीएनजी ले लेते हैं। एंड गाइस मैं जितना भी इसमें बैकग्राउंड पीएनजी जो भी यूज़ कर रहा हूँ सबका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से इजीली डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो उसको आपको गाइस कुछ स्क्रीन के पास कुछ स्टेप्स ऐसे रख दे रहे हैं, ठीक है। एंड इसका इतना कर देने के बाद आप सभी को कुछ थोड़ा सा साइज और बड़ा कर लेते हैं, इतना परफेक्ट है। अब इसको यहाँ पे हम कर देते हैं डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी लग चुका है। अब गाइस हमें एक पीएनजी सॉरी इसका सैचुरेशन मैनेज करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐसे टूल्स में, एंड यहाँ पे एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको सैचुरेशन लेना है, इसको -10 तक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर देना है डन। अब गाइस आप सभी को क्या करना है, अब जाना ऐड फोटो में, एंड यहाँ से गाइस आप सभी को एक और पीएनजी लेना गाइस बिगनेट का। तो आपको क्या करना है, आपको इसको सिंपली कुछ स्टेप से फुल स्क्रीन करें, कुछ स्टेप से ऐसे रख देना है, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को कर देना डन, ठीक है। तो परफेक्ट है। अब गाइस आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, अब आप सभी को यहाँ पे इतना काम हो चुका है, तो आपको इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना है ऐसे आपको गाइस लाइटरूम ऐप में, ठीक है, लाइटरूम ऐप में लेकर जाना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे इसके लाइट वाला ऑप्शन में जाना है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस हाईलाइट होगा उसको थोड़ा कम कर देना है, एंड जो गाइस शेडो होगी हमारी इसको थोड़ा सा आपको माइनस की तरफ रख लेना है, ठीक है शेडो को। एंड उसके बाद आप सभी को इसका शेडो कम करते हैं, एंड इसका जो व्हाइट है जिसको थोड़ा कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है जिसको भी कम कर देना है, ठीक है। एंड जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, एंड जो टेम्परेचर को उसका थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जाना मिक्स टूल में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड ल्यूमिनस बढ़ा देना है, फिर जाना डार्क ब्लू में इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको फिर यहाँ पे जाना येलो कलर में इसका ह्यू माइनस कर देना है, एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है, एंड गाइस ग्रीन कलर में जाना है इसका ह्यू चेंज कर देना है थोड़ा सा, ठीक है, येलो टोन में डाल देना है, एंड ग्रीन को भी सैचुरेशन बढ़ा देना है, फिर इसका डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी की गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा वो हल्का सा डाल देना है, नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिला ग्रेन अमाउंट आपको उसको भी बढ़ा देना है, एंड उसके बाद चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो गाइस नॉइज रिडक्शन होगा आपको उसको भी बढ़ा देना है, फिर उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे नीचे, एंड यहाँ पर कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी सामने, तो गाइस ऐसा करता है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।